चलिए दोस्तों, आज मैं Vivo Y21e में टॉप 50 प्लस यूनिक हिडन फीचर्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए जा रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस फोन में एस कैप्चर देखने को मिलता है। इसके ऊपर टैप करोगे, बहुत सारे फंक्शन खुल के आएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीन शॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट, फनी स्क्रीन शॉट। अगर आप फनी स्क्रीन शॉट के ऊपर टैप करोगे, आपके शेप के हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। मैं यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया हूँ और आप जितना तक ड्रॉ करोगे उतना ही स्क्रीनशॉट खुल के आएगा। थ्री फिंगर से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट में टैप करोगे, आपको जितना तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट उतना तक जाकर यहाँ पे सेव कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। होम स्क्रीन में एक बार देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ बहुत सारे एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। सेटिंग में जाने के बाद शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी में आओगे, यहाँ पे इजी टास्क देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे जो सारे शॉर्टकट है या जो एप्लीकेशन है, आपके हिसाब से आप बहुत सारे एप्लीकेशन ऐड भी कर पाओगे। कस्टमाइज मेनू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऐड में क्लिक कर लेना और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह खुल के आएगा। आपके हिसाब से जो आप यूज करना चाहते हो ऐड कर लेना। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गया है। सेम तरीके से नीचे की तरफ बहुत सारे शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी आप ऐड कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे हेल्प किया है मोबाइल प्लैनेट्स। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो, इस शॉप में आके परचेस कर सकते हो या इस शॉप से बुक कर सकते हो मोबाइल फोन। ऑनलाइन से बहुत कम प्राइस में यहाँ पे स्मार्टफोन मिल जाएगा और यहाँ पे हर एक बजट के फोन में आप ईएमआई से परचेस कर सकते हो मोबाइल फोन, जो कि ऑनलाइन से नहीं कर पाओगे। और एक बड़ी चीज, इस शॉप में आके आप एक्सपीरियंस करके स्मार्टफोन बाय कर पाओगे और बहुत सारे डिस्काउंट के साथ स्मार्टफोन बाय कर पाओगे। अगर आप कोई भी फोन परचेस करने वाले हो, स्क्रीन में नंबर है, वहाँ पे कॉल करके मोबाइल फोन बुक कर सकते हो। शॉप का लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे होम डिलीवरी का सर्विस है। नोटिफिकेशन सेंटर में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है। कई बार क्या होता है, आप ना देखकर क्लियर ऑल कर देते हो, बाद में पता चलता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। लेकिन इस फोन में आप नोटिफिकेशन बाद में भी देख पाओगे, कौन सा नोटिफिकेशन आया है। उसके लिए दो फिंगर से पिंच कीजिए, होम सेटिंग में चलिए, नीचे की तरफ एट आइकन बैजेस दिखाई देगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट इस फोन के लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन शो होता है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो फिर से होम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऐप आइकन बैजेस के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप डोंट शो नोटिफिकेशन या हाइड नोटिफिकेशन बहुत कुछ कर पाओगे। उसके ठीक नीचे यहाँ पे दिखाई देगा वाइक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको इनेबल कर देना। जब नोटिफिकेशन आपके फोन में आएगा, फोन का जो लाइट है इस तरीके से वाइक अप हो जाएगा। होम स्क्रीन में किसी भी एप्लीकेशन में अगर नोटिफिकेशन आता है, मान लो क्रोम में बहुत सारे नोटिफिकेशन आया है, क्रोम के ऊपर 1, 2, 3 लिखा हुआ आता है या डॉट डॉट भी आता है, उसको भी आप कस्टमाइज कर पाओगे। उसके लिए फिर से ऐप आइकन बैजेस के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैजेस। यहाँ पे नंबर है, आप डॉट भी कर सकते हो या डू नॉट डिस्प्ले भी कर सकते हो। जब आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कई बार होम स्क्रीन में आ जाता है और बहुत सारे लोग इससे इरिटेटेड भी होता है, इसको भी आप कंट्रोल कर पाओगे। उसके लिए फिर से होम सेटिंग के अंदर यहाँ पे ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ कर दीजिए। अभी जो सारे आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, होम स्क्रीन में नहीं आएगा, ऐप ड्रॉयर में आएगा। नोटिफिकेशन बार में बहुत सारे नोटिफिकेशन को आप मैनेज भी कर पाओगे। किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर अगर आप टैप करोगे, अगर आपको लगता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके ऊपर टैप करके यहाँ पे साइलेंट के ऊपर टैप करके डन कर देना और वो साइलेंट रहेगा। मतलब जब नोटिफिकेशन आएगा उसके तरफ से साइलेंट रहेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस फोन में डार्क मोड भी देखने को मिलता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। डार्क मोड के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप शेड्यूल में लगा पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। डार्क मोड के जैसा ही आई प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे दिखाई देगा आई प्रोटेक्शन, इसको इनेबल कर देना। फोन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसको अगर ज्यादा कर दोगे ना तो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूं और इसको आप शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए। जब आप न्यू फोन खरीदते हो, यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज और इंटरनेट स्पीड मीटर दिखाई नहीं देता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर स्टेटस बार में जाना पड़ेगा और यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितना परसेंट बैटरी है। ठीक ऊपर डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको इनेबल कर देना। आपके फोन में कितना इंटरनेट स्पीड दे रहा है
वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस फोन के स्टेटस बार में लेफ्ट साइड की तरफ देख लीजिए, ऊपर में बहुत सारे एप्लीकेशन का आइकन दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशन आया है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे आइकन ना दिखा कर सिर्फ नंबर दिखाई दे कि कितना नोटिफिकेशन आपके स्टेटस बार में है, वो ऑन करने के लिए डिस्प्ले के अंदर फिर से आपको स्टेटस बार में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आइकन के जगह नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए 3 दिखा रहा है, तो आपके हिसाब से नन भी कर सकते हो या आइकन भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो नॉच है, बहुत सारे लोगों को ये नॉच पसंद नहीं है, इसको भी आप हाइड कर पाओगे। उसके लिए डिस्प्ले के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आइए, टॉप एरिया डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप ये जो नॉच है ये आप हाइड भी कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में अगर आप कोई भी मैसेज छोड़ना चाहते हो, सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेता हूँ। अभी देखिए लॉक स्क्रीन में यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा। अगर ये फोन कोई भी बुजुर्ग आदमी इस्तेमाल करने वाला है, उसके लिए सिंपल मोड भी दिया गया है। लॉक स्क्रीन के अंदर सिंपल मोड देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल कर देना, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ज्यादातर उनको फोन मैसेजेस कॉन्टैक्ट एल्बम कैमरा यही कुछ दिखाई देगा। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले जैसा कुछ फीचर्स दिया है। उसके लिए डायनामिक इफेक्ट के अंदर यहाँ पे अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन को भी आप इनेबल कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए तरह तरीके का एनिमेशन है, आपके हिसाब से कोई भी एनिमेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से फेस अनलॉक का भी बहुत सारे एनिमेशन है, आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। चार्जिंग का एनिमेशन भी दिया गया है लॉक स्क्रीन में, जो चार्जिंग एनिमेशन दिखाई देता है, बहुत सारे स्टाइल है। इस फोन में 3GB का रैम है, लेकिन इसको आप एक्सटेंड भी कर पाओगे। उसके लिए रैम एंड स्टोरेज स्पेस के अंदर रैम के अंदर यहाँ पे इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे 512 MB जो रैम है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 3.5 GB का रैम हो जाएगा। यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस भी देखने को मिलता है, उसके लिए सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर यहाँ पे साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में जाके आपके फोन के जो ईमेल आईडी था ना, उस ईमेल आईडी के जरिए इस फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। अगर आपको लगता है इस फोन में सिक्योरिटी इशू है या बहुत सारे एप्लीकेशन बेकार परमिशन ले रहे, तो आपके हिसाब से आप कंट्रोल भी कर पाओगे। उसके लिए प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे परमिशन मैनेजर के अंदर यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे परमिशन दिखाई देगा, जैसे कि कैमरा, कौन सा एप्लीकेशन कैमरा के लिए परमिशन मांग रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपको लगता है किसी भी एप्लीकेशन परमिशन बेकार ले रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे डिनेबल भी कर सकते हो। इस फोन में स्मार्ट मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, उसके लिए शॉर्टकट के अंदर स्मार्ट मोशन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए स्मार्ट वाइक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे शॉर्टकट है, जैसे कि एम लिखोगे लॉक स्क्रीन में तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। यहाँ पे ई देकर बहुत सारे आप कस्टमाइज भी कर पाओगे, जैसे कि मैं कैमरा को ऑन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन में ई लिखू ना, तो यहाँ पे देख लीजिए ई लिखकर यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद कैमरा ओपन हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे ई देकर बहुत सारे एप्लीकेशन है, किसी भी एक एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट वाइक के थोड़ा नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल कर देना। जब आप फोन को सेक करोगे, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। शॉर्टकट के अंदर यहाँ पे वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद अगर उंगली को इस तरीके से करोगे, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। और इसको आप इधर में भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग एक हाथों में फोन को यूज करता है। बहुत सारे लोगों को एक फीचर चाहिए, जब इनकमिंग कॉल वगैरह आए बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप होता रहे, उसके लिए यहाँ पे फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन के अंदर इनकमिंग कॉल को इनेबल कर दीजिए। कोई भी कॉल वगैरह आएगा, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप टाइमर भी लगा सकते हो, उसके लिए डिजिटल वेलबींग के अंदर यहाँ पे सबसे पहले सो योर डाटा करना पड़ेगा। डैशबोर्ड के जाने के बाद डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा, किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि क्रोम। यहाँ पे ऐप टाइमर के ऊपर टैप करने के बाद मैं 30 मिनट कर देता हूँ। दिन में सिर्फ क्रोम को 30 मिनट यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर यूज करने जाऊं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जब तक इसको आप डिसेबल नहीं करते हो या डिलीट नहीं करते हो। इस फोन में फोकस मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, शॉर्टकट के अंदर हाइड सिचुएशन में रहता है। यहाँ पे पेंसिल आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोकस मोड देखने को मिल जाएगा, टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए। फोकस मोड के अंदर अगर टैप करोगे तो अंदर लेकर चला जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप फोकस मोड को इनेबल कर सकते हो, जैसे कि मैं क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टर्न ऑन कर देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए जो क्रोम है ना, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। इसके ऊपर अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पे फोकस मोड इनेबल है, क्रोम नहीं ऑन होगा। और जब किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड इनेबल रहेगा, उसी टाइम उस ऐप का नहीं तो कोई नोटिफिकेशन आएगा और नहीं तो उस ऐप को आप यूज कर पाओगे, तो आपको यहाँ पे आके फोकस मोड को डिसेबल करना पड़ता है। फोकस मोड के जैसा ही यहाँ
यहाँ पे बेड टाइम मोड भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आके नेक्स्ट वगैरह करके ऑन कर लेना। बेसिकली ये क्या है, जब आप सोने जाओगे इस ऑप्शन को इनेबल कर देना, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह साइलेंट रहेगा, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब है ना, सेम तरीके से एक काम करता है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके अंदर आप जाओगे तो बहुत सारे फंक्शन मिल जाएगा, जैसे कि रिकॉर्ड साउंड, आप माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करना चाहते हो या सिस्टम साउंड, या सिस्टम या माइक्रोफोन दोनों एक साथ रिकॉर्ड करना चाहते हो, यहाँ पे आगे सिलेक्ट कर सकते हो। पिक्चर का क्वालिटी आपको कितना चाहिए, हाई या लो, उसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद थ्री डॉट में टैप करोगे, फ्रेम कम डाउन वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। अगर आप लोग यहाँ पे सेटिंग के अंदर आओगे और यहाँ पे वाटरमार्क दिखाई देगा, आप वाटरमार्क को भी इनेबल कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए नीचे की तरफ एक लिखा हुआ आ गया है और यही है वाटरमार्क। यहाँ पे देख लीजिए Vivo Y21e यहाँ पे दिखा रहा है। गैलरी के अंदर किसी भी पिक्चर के अंदर आओगे और यहाँ पे एडिट में टैप करोगे तो नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जैसे कि बुके इफेक्ट। अगर आपको बुके चाहिए, कितना तक चाहिए, आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो, ओवरऑल चाहिए या किसी भी स्पेसिफिक जगह में चाहिए, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। किसी भी चीज को आप इरेज भी कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए जो वाटर मार्क है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अभी देखिए वाटर मार्क गायब हो गया है। और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल फीचर्स है, फिल्टर वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह ऐड कर पाओगे, कलर वगैरह ऐड कर पाओगे, तो बहुत सारे तरह तरीके का फीचर्स है, यहाँ पे आके जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है। उसके लिए सिस्टम के अंदर नेविगेशन दिखाई देगा, यहाँ पे जेस्चर्स को इनेबल कर दीजिए, जेस्चर्स इनेबल हो जाएगा। अगर आप स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में आ जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे रिसेंट मेन्यू में आ जाओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा, इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी यहाँ पे बैक होगा। होम स्क्रीन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप टैप करके रखोगे, आप उस एप्लीकेशन के अंदर ना जाके डायरेक्टली उसके शॉर्टकट में जा सकते हो। जैसे कि YouTube के अंदर सर्च सब्सक्रिप्शन एक्सप्लोरर है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस ऑप्शन में जा सकते हो। यही था Vivo Y21e का कुछ फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।